सोचा है कि क्यों कुछ बॉल्स ऊपर से होती हैं स्मूथ लेकिन कुछ होती हैं ऐसी? सोचिए और देखिए। अब समय है एक सवाल का। टेनिस बॉल्स पर रेशे क्यों होते हैं? ए, गेंद की गति बढ़ाने के लिए। बी, गेंद की गति कम करने के लिए। सी, गेंद की सुंदरता बढ़ाने के लिए। या डी, ऊपर दिए सभी उत्तर। सही जवाब थोड़ी ही देर में हम आपको बताएंगे। नहीं, मैं बॉल से लट्टू पे नहीं आई, मैं तो सिर्फ गायरोस्कोपिक एक्शन का एक और एग्जांपल दे रही थी और ये दिखा रही थी कि हमारी वही साइंस के प्रिंसिपल्स कितनी तरह से और लागू होते हैं क्योंकि साइंस हमारे चारों तरफ है ना। पूल खेलना किसको पसंद नहीं, मगर शायद भौतिकी का एक सिद्धांत पूल के खेल से अच्छी तरह और कोई खेल नहीं समझा सकता। जब खिलाड़ी क्यू बॉल को मारता है तब वो उसको गतिशील बना देता है। जब वो बॉल दूसरी बॉल से टकराती है तब वो अपना आवेग दूसरी बॉल को ट्रांसफर कर देती है। पहली बॉल को जितने जोर से आप मारेंगे दूसरी बॉल उतनी ही तेज आगे जाएगी। इसी लॉ ऑफ मोमेंटम ने टेनिस के खेल को बहुत अजीब ढंग से प्रभावित किया है। टेनिस का खेल बहुत पावरफुल हो जा रहा था जिसकी वजह से दर्शकों का उत्साह घटता जा रहा था। एडमिनिस्ट्रेटर्स ने खेल की गति कम करने के लिए बड़ी बॉल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बड़ी बॉल्स के पीछे वैक्यूम भी बड़ा होता है जिससे ड्रैग ज्यादा होता है और बॉल की गति धीमी होती है। 6% बड़ी बॉल्स के कारण खिलाड़ियों को 10% ज्यादा टाइम मिलता है सर्विस रिटर्न करने के लिए। लेकिन बड़ी और भारी बॉल से खेलने के कारण खिलाड़ियों की इंजरीज ज्यादा हो गई हैं। बड़ी और भारी बॉल्स को रिटर्न करने में ज्यादा ताकत लगती है। खिलाड़ियों की तकनीक में भी काफी बदलाव आया है। आजकल खिलाड़ी टॉप स्पिन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बड़ी और भारी बॉल्स की मात्रा ज्यादा होने के कारण टॉप स्पिन करने पर उसका कोणीय आवेग या एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होता है। गेंद ज्यादा स्पिन करती है और टप्पा खाने के बाद ज्यादा गति से आती है। उसको रिटर्न करना खिलाड़ी के लिए ज्यादा मुश्किल होता है। टेनिस खेल के स्पीड को कम करने के लिए कर दिया गया है गेंद को बड़ा, लेकिन एक ऐसी चीज और है जो खेल की स्पीड को कम करती है। क्या है देखिए। हमने आपसे पूछा था कि टेनिस बॉल्स पर रेशे क्यों होते हैं। सही उत्तर है बी, गेंद की गति कम करने के लिए। गेंद पर लगे रेशों की वजह से एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है जिससे गेंद नियंत्रित ढंग से हवा में उड़ती है। अगर गेंद पर रेशे न हो तो उसके वजन कम होने के कारण गेंद हवा में अनियंत्रित रूप से बहुत तेज उड़ेगी।